1 फरवरी को मोदी सरकार का बजट आने वाला है। बजट के आने से पहले केंद्र की योजनाओं, महंगे सस्ते और इनकम टैक्स स्लैब में क्या होने वाला है, इस पर हर किसी की नजरें हैं। जानकारों की माने तो ये बजट मोदी सरकार के लिए काफी अहम है, क्योंकि लोकसभा में जाने से पहले ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। देश के बाकी लोगों के साथ ही किसानों को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। खबरों की माने तो इस बार के बजट में किसानों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। ऐसा बताया जा रहा है कि बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि अभी किसानों को इस योजना के तहत साल में 6000 रुपए मिलते हैं, लेकिन सरकार अब इस रकम में बढ़ोतरी कर सकती है। पूरी खबर को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। इकोनॉमिक टाइम्स के एक सर्वे के मुताबिक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार पीएम किसान स्कीम के तहत किसानों को मिलने वाली रकम में बढ़ोतरी कर सकती है और सालाना 9000 रुपए किसानों के खाते में भेज सकती है। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सरकार पीएम किसान सम्मान निधि में 50% की बढ़ोतरी कर सकती है। आपको बता दें कि अभी लाभार्थी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक किश्त में 2000 रुपए और सालाना 6000 रुपए मिलते हैं। सरकार ये पैसा 3 किश्तों में किसानों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करती है। हर बार सरकार बैंक खाते में 2000 रुपए ट्रांसफर करती है। ये किश्त हर 4 महीने में किसानों के बैंक अकाउंट में आती है। बजट में सरकार किसानों को मिलने वाला ये पैसा बढ़ाकर 9000 रुपए कर सकती है, यानी किसानों के लिए पैसा 6000 रुपए से बढ़कर सीधे 9000 रुपए हो जाएगा। सरकार इसमें सीधे 50% की बढ़ोतरी करेगी। पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि सरकार किसान सम्मान निधि की रकम 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपए करेगी, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार पीएम किसान का पैसा 50% बढ़ाकर 9000 रुपए कर सकती है। मालूम हो कि किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की स्कीम है। इस स्कीम का ऐलान साल 2019 के अंतरिम बजट में हुआ था। सरकार के इस स्कीम की 16वीं किश्त इस साल फरवरी से मार्च के बीच जारी होने की उम्मीद है। अभी सरकार ने हाल ही में 15 नवंबर के दिन 15वीं किश्त किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर की थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को छठी बार बजट पेश करने जा रही है। निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी। साल 2024 चुनावी साल है, इस वजह से पूरे साल की बजाय अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। बहरहाल किसानों को ये तोहफा मिलेगा या नहीं, ये तो जल्द ही साफ हो जाएगा। आपको क्या लगता है, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया।